जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फिलहाल यशवंतपुर में और आज का सफ़र होने वाला है हावड़ा दुरंतो में, पूरा हावड़ा तक। लेकिन जो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है भाई, बहुत ही खूबसूरत बनाया। अभी जो नया यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है बेहद ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे अब मेट्रो से एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी आपको लगभग 2-2.5 साल से मिली हुई है। मेट्रो स्टेशन से उतरिए, सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ जाएंगे आप लोग यहाँ पे, और 6 से ही अपनी हावड़ा दुरंतो आती है। तो चलिए चलते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में। अब ट्रेन हमारी ऑलरेडी लग चुकी है, समय हो रहा है 10:15, इंतजार कर रही है ट्रेन। चलिए पहुंचते हैं। वैसे दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी दुरंतो ट्रेन के पास और कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी मिक्स कोचेस लगे हैं। वैसे जो एक्चुअल कलर है दुरंतो का ना, वो कुछ ऐसा है। अगर शुरुआती दिनों में आप दुरंतो देखते तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देती, पर फिलहाल मिक्स कोचेस हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं इंटीरियर कैसा है। अब देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। यार कुछ ऐसा है इंटीरियर दुरंतो का, 3 टायर का। अब यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट साइड लोअर के लिए दिया गया है और 2 ही दिए गए हैं, मतलब 6 नहीं दिए गए। खैर दुरंतो ट्रेन है तो सबके लिए देना चाहिए था। बाकी आप लोगों ने कई बार मेरे साथ ट्रैवल किया है तो इंटीरियर वगैरह तो आपको अच्छे से पता ही है ट्रेन का। तो आज यशवंतपुर से हावड़ा तक हमारे ट्रेन को लेकर के जाने वाला है संतरागाछी का WAP-7 लोकोमोटिव। वैसे यात्रा शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी, वो ले लिया है मैंने। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे नंदिनी का स्टॉल है स्टेशन पे, जहाँ से चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो। खाना पीना अगर आपको ट्राई करना है तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की एग्जिट पे खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर IRCTC का होटल भी मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टोटल 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ से आपको हुबली लाइन मिल जाएगी, मैसूर लाइन मिल जाएगी, और साथ में हावड़ा लाइन जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं, और दिल्ली लाइन, बहुत सारी लाइन जाती हैं। इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर जगह के लिए ट्रेन्स भी मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने कोच में और आपसे मिलता हूँ डिपार्चर टाइम, जो कि है 11 बजे। तो भाई लोग यहाँ बिल्कुल राइट टाइम हम लोग यशवंतपुर जंक्शन से चल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्पेशल आपका इंतजार कर रहे हैं। यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस अपनी निकल चुके है यशवंतपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, और यशवंतपुर बाड़मेर एक्सप्रेस में 3L को लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं अभी। तो दोस्तों लेफ्ट में जो ट्रैक जा रहे हैं वो हुबली की ओर जा रहे हैं, और हम लोग हावड़ा लाइन की ओर यानी चेन्नई लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं, खूबसूरत सा कर्व आपका इंतजार कर रहा है, बाकी ये रूट यहाँ से अलग हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विनोवा ओनर्स ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से आप बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों में इजीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट दोनों ही हैं। आप चाहिए तो प्रैक्टिस करना चाहते हो डेमो अकाउंट से, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कई बार प्रैक्टिस की, इसलिए मैं आपको रियल अकाउंट से ट्रेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 350 रुपीज़ का है। चलिए हम लोग 350 रुपीज़ इन्वेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे बस आपको फोरकास्ट करना है, जो ग्राफ है अप जाएगा डाउन जाएगा, तो मुझे लगता है ये ग्राफ है अप जाएगा, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 644 रुपीज़ कमा भी लिए हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके पैसे हैं इसे आप अपने सेफली और सिक्योरली अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट दोनों ही जगहों में इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।
वैसे तो जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 350 का है, लेकिन अगर आप लोग मेरा ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो डबल होकर के मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड करते हैं तो आपको 65,000 रुपीज़ आपके डेमो अकाउंट में मिल जाएगा, जहाँ से आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिनोवा एक जरिया है आज की इस बिजी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का। तो ज्वाइन द ह्यूज कम्युनिटी ऑफ बिनोविस्ट इन इंडिया नाउ। आई एम द बिनोमिस्ट, आर यू? अब फाइनली हम लोगों ने मतलब बैंगलोर की सीमा खत्म कर ली है। व्हाइट फील्ड हमारी ट्रेन ने जस्ट स्किप किया और इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो रेनी गुंटा है, बीच में बंगारपेट, जुलारपेट, काटपाड़ी, अरकोणम। वैसे तो अरकोणम बाईपास करते हैं, बाकी जो मेन स्टेशन से यहाँ हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, सीधा रेनी गुंटा 361 किलोमीटर बाद शाम 4:45 हमारी ट्रेन रुकेगी। और जो पूरा जो उसका रन है 1954 किलोमीटर का, इसमें केवल ये मात्र तीन और जगह रुकती है, विजयवाड़ा, विजयनगरम, भुवनेश्वर और फिर सीधा हावड़ा। अच्छा खासा रन मिलने वाला है और मैं इस रूट को कई बार कवर कर चुका हूँ, तो चेन्नई बैंगलोर रूट को ज़्यादा ना कवर करते हुए फोकस करेंगे जो न्यू रूट रहेगा। जिन लोगों को भाई इस रूट को डिटेल में देखना है, डबल डेकर एक्सप्रेस की जर्नी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ मैंने चेन्नई से बैंगलोर रूट को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, पहले डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक, देख लीजिएगा उसको बाद में। फिलहाल आप लोग को मैं दिखाता हूँ कुप्पम के पास आने वाली घाटियाँ और फिर ले चलता हूँ आपको सीधा काटपाड़ी के आगे। ये है उपमा और ये है केसरीबाग, जिसे हम लोग बैंगलोर से लेकर चले थे। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। उसको यशवंतपुर के बाहर से मैंने लिया था, हमें तुरंत ने बंगारपेट जंक्शन स्किप कर लिया। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हमारे उपमा को, नमकीन चीज़ खाने का मन कर रहा है। बढ़िया स्वाद है। और अब देखते हैं मीठा केसरीबाग कैसा है। ये भी बढ़िया भाई, इसमें पाइनएप्पल पड़ा है। कभी आप लोग इस रूट में ट्रैवल करो तो ब्रेकफास्ट रिकमेंडेड है, यशवंतपुर के बाहर चले सकते हो। अगर ट्रेन में कोई चीज़ मिलती है स्पेशल तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। तो दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन पार कर रही है खूबसूरत से कुप्पम से जुलारपेटई के बीच में पड़ने वाले घाट सेक्शन को। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं और ट्रैक साउंड बहुत अच्छा आता है। आप लोग इन्जॉय कीजिए साउथ इंडिया के इन खूबसूरत से नज़ारों को, जहाँ नारियल के पेड़ और ये घाटियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन धीरे धीरे निकल रही है जोलारपेट जंक्शन से, और सामने संगित्रा एक्सप्रेस खड़ी है जो कि दानापुर से बेंगलोर के बीच में चलती है। समय से काफ़ी पहले वो भी पहुँच चुकी है जोलारपेट जंक्शन, और येलगिरी हिल्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं पीछे। ज़्यादातर ट्रेनें जोलारपेट जंक्शन को तेज़ रफ्तार में पार नहीं करती हैं क्योंकि कई सारे ट्रैक्स बदलने पड़ते हैं ट्रेनों को, और यहाँ से त्रिवनपुरम लाइन एरोड सेलम होते हुए मिल चुकी हैं और अपनी ट्रेन स्किप कर रही है अभी जोलारपेट जंक्शन। दोस्तों जो जोलारपेट का वड़ा सांभर है काफ़ी फेमस होता है, कभी आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना। वैसे हमारी ट्रेन स्किप कर रही थी, रुक गई है यहाँ पे, और यहाँ से जो रूट है एक चला जाता है ईरोड की ओर जो कि आगे चल के साउथ के कंप्लीट रूट्स में जाता है, जैसे कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, ये सभी रूट्स हैं ना जो ईरोड से कई रूट्स में अलग हो जाता है, मदुरई भी ईरोड से ही अलग होता है। हमारी ट्रेन का यहाँ स्टॉप नहीं था, स्किप कर रही थी, धीरे धीरे रुक गई। पीछे येलगिरी हिल से जो आप लोगों ने अराइवल टाइम पर देखा और संगमित्रा को भी देखा, यहाँ से डिपार्चर पर हमें जो वापस बैंगलोर की ओर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस है वो भी मिलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर से कुछ समय में। दोस्तों अभी मैंने जोलारपेट में देखा डाउन वाली जो हमारी दुरंतो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है हमारे डिपार्चर लेने से पहले ही, और वो संगमित्रा एक्सप्रेस के पीछे छुपी हुई थी, निकल भी गई होगी अब तक। खैर हम लोग जोलारपेट जंक्शन से चल चुके हैं। दोस्तों सामने जो लाइंस है वो निकल जा रही है अराकोणम जंक्शन की ओर, जस्ट हम लोग तो एक दो किलोमीटर पहले ही रेणिगुंटा लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, और जो वही ट्रैक है अराकोणम वाले वो जाते हैं आगे चेन्नई की ओर। 3 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से पार हो रही है। अभी हमारी ट्रेन अराकोणम बाईपास लाइन की ओर रुकी हुई थी और यहाँ से हमारा डिपार्चर हुआ है। अभी हम इंडिया के लॉन्गेस्ट नेम वाले रेलवे स्टेशन को पार करने वाले हैं, वेंकट नरसिम्ह राजवरी पेट्टा, मतलब ऐसे ही कुछ नाम है। अभी जब स्किप होगा तो आप लोग भी पढ़िएगा, देखते हैं कैसा है। बस आने ही वाला है थोड़ी देर में, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है वो। भारतीय रेलवे का जो लॉन्गेस्ट नेम वाला स्टेशन है वो आपको अराकोणम, तिरुतनी और रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन के बीच में देखने को मिलेगा। तिरुतनी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो रेलवे स्टेशन, और बाकी उसके बाद हमारी ट्रेन रेणिगुंटा की ओर जाएगी जो कि तिरुपति में स्थित है, 10 किलोमीटर मात्र है तिरुपति से। दोस्तों वो लाइन आ रही है तिरुपति से, कातपाड़ी से तिरुपति, तिरुपति से रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन, और हम लोग अब रेणिगुंटा पहुंच चुके हैं, रेणिगुंटा जंक्शन पहुंच चुके हैं समय से लगभग आधे घंटे पहले। 4:15 यहाँ पे हमारा अराइवल हो रहा है, 4:45 में वैसे एक्चुअल अराइवल टाइम था। मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी
अच्छा बोलूँ या खराब बोलूँ, लेकिन बारिश वाला उसका है। शिमशा लोकोमोटिव KGM शेड। स्टेशन में मतलब फल वगैरह भी अवेलेबल हैं, समोसे वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे और बिरयानी इडली वड़ा ऐसी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप लोग रेनी गुंटा आ रहे हो तो आपका मेन पर्पस मुझे पता है वो होगा तिरुपति देवस्थानम दर्शनम का, तो सही जगह है, यहाँ उतरिए। यहाँ से आपको बसेज वगैरह भी मिल जाएंगी स्टेशन के बाहर से। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का ये केवल स्टेशन है। यहाँ से पद्मावती टेम्पल काफ़ी करीब है, आपको तिरुपति का जो मंदिर है उसके दर्शन करने तो भाई आपको जाना पड़ेगा तिरुपति उसके लिए। बाकी जो ट्रेन्स हैं जो मुंबई से चेन्नई की ओर जाती हैं वो यहीं से रेनीगुंटा से निकल जाती हैं, वो नहीं जाती हैं हमारे तिरुपति रेलवे स्टेशन की ओर। बाकी ट्रेन्स जो साउथ बाउंड हैं वो जाती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा आप लोग कि कन्फ्यूज़ ना हों आप लोग। तो वैसे देख सकते हैं आप लोग हमारी ट्रेन यहाँ आधे घंटे पहले पहुँच चुकी है, काफ़ी अच्छा खासा स्लैक टाइम है हमारे पास। अगर मैंने पता किया स्टाफ से तो यहाँ पर ट्रेन अक्सर ही समय से पहले ही पहुँचती है, तो मौसम बहुत अच्छा है, वॉक वगैरह कर सकते हो। ट्रेन नॉनस्टॉप चली रही थी, अब ये पहला स्टॉप है, 361 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। अगला स्टॉप है जो कि विजयवाड़ा, वो रात 10 बजे करीब आएगा, देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल इन्जॉय कीजिए स्टेशन के कुछ नज़ारे। दोस्तों यहाँ रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन में हमारे सामने यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ चुकी है जो कि 10:15 AM चली थी, पर हमारी गाड़ी जो है 11 बजे चली थी, और ये कल हावड़ा पहुँचने वाली है शाम 7 बजे, मतलब 7:50 पे पहुँचेगी, और हम लोग कल 4:50 पे पहुँचेंगे, हमारे 3 घंटे बाद पहुँचेगी, और यहाँ से जस्ट हमारे 10 मिनट बाद ये ट्रेन खुलने वाली है। यहाँ पर आ चुकी है यशवंतपुर हावड़ा, और दोनों ही गाड़ियाँ हावड़ा की ओर जा रही हैं, दुरंतो भी और यहाँ पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी अपनी। दोस्तों यहाँ पे जो हावड़ा एक्सप्रेस अभी आई थी उसको हमारी ट्रेन से पहले निकाला गया, मतलब 10 मिनट पहले उसका डिपार्चर था, मैं उल्टा बोल गया था आप लोगों को। खैर खुशी इस बात की कि ओवरटेक देखने को मिलेगा, अब देखते हैं ओवरटेक कहाँ पे होता है, वो हमसे पहले चल रही है, यहाँ से मिलेगी ज़रूर। अब दुरंतों में सफ़र करने का ये फ़ायदा है कि ओवरटेक देखने को मिलेगा। चले यहाँ से देखते हैं डिपार्चर अब से कुछ समय में, और आगे की कहानी आपको ऐसे ही वीडियो में पता चलती रहेगी, जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा डिले ही सही, लेकिन रेनीगुंटा से अपना डिपार्चर हो चुका है, और बारिश वाले बादल थे और अब कड़ी धूप हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी है अपनी। और जो हावड़ा एक्सप्रेस है उसके आगे आगे गई है, उसका ओवरटेक होने वाला है गुडूर पे, क्योंकि उसका स्टॉप है और हमारी ट्रेन का अब सीधा विजयवाड़ा स्टॉप है, लगभग 7:30 किलोमीटर्स के बाद सीधा वहीं जा कर रुकेगी ट्रेन। ये जो सीधा ट्रैक जा रहा है ये कड़प्पा होते हुए गुंटकल की ओर जा रहा है, और आगे यही ट्रैक मुंबई हैदराबाद इन सभी रूट्स में निकल जाएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं गुडूर वाली लाइन की ओर, जो कि गुडूर, ओंगोल, नेल्लोर इन सभी स्टेशन्स को होते हुए आगे चल करके विजयवाड़ा में मिल जाएगी। अभी जस्ट रेनीगुंटा से हम लोग चले हैं, नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, और साथ में लाल चाय मिल चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही है, दुरंतों में भरी नहीं है ट्रेन, सबसे अच्छी बात ये है। चलिए एंजॉय करते हैं जर्नी को, आगे बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन गुडूर जंक्शन स्किप करने वाली है, और यहाँ से चेन्नई लाइन हमें मिल चुकी है। खैर अब ये गुड्स ट्रेन की वजह से आपको दिखा नहीं पाया मैं चेन्नई लाइन, लेकिन आप समझ जाइए यहीं से लेफ्ट की ओर चली जाती है चेन्नई लाइन, और यहाँ गुडू जंक्शन पर हम लोग स्किप और ओवरटेक करने वाले हैं दोनों चीज़ें, देखते हैं कैसा रहता है। गुडू जंक्शन पर अपनी ट्रेन स्किप तो कर रही है, और यहाँ पर हम ओवरटेक कर रहे हैं यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को,
जो मैंने आपको दिखाई थी अभी रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन में भी। रेणिगुंटा में से हमसे 10 मिनट पहले छोड़ा गया था और वहाँ से यहाँ तक आगे आगे आई है और यहाँ पे फाइनली ओवरटेक हो रहा है। काफ़ी लेट छूटती है पर इससे इसलिए इसे ओवरटेक नहीं कहा जाएगा, खैर इसके दर्शन हो गए हम लोग को। भाई अभी आप लोगों ने ओवरटेक देखा पर काफ़ी लंबा ओवरटेक था, लगभग 3 मिनट लग गए ओवरटेक होने में। जो लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ द ट्रेन गुरु चैनल का, मेरा ही है, वहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो डालता हूँ। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि भाई जर्नी काफ़ी लंबी है तो आपको बहुत कुछ दिखाना है इस जर्नी में। यहाँ हमारी दुरंतो स्किप कर रही है ओंगोल रेलवे स्टेशन को और दोस्तों यहाँ के डोसे काफ़ी टेस्टी होते हैं, अगर आप लोग की ट्रेन यहाँ रुकेगी मान लीजिए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। विजयवाड़ा शहर और स्टेशन के आउटर पे आपको खूबसूरत सी कृष्णा नदी और ये महाविशाल का पुल देखने को मिलेगा जो दिन में काफ़ी विशाल का लगता है और शहर पूरा देखिए रात में चमक सा रहा है एकदम, बहुत ही खूबसूरत है। और सामने रोड भी बनी हुई है जो कि अलग अलग रंगों की लाइटिंग से चमक रही है। तो दोस्तों यहाँ 738 किलोमीटर की दूरी को तय करके हमारी ट्रेन पहुँच के विजयवाड़ा जंक्शन जो कि 10 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है। यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीज़ें इजली अवेलेबल हैं और 7 नंबर प्लेटफॉर्म हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ। और सबसे अच्छी बात यह कि यहीं पर बगल में क्लॉक रूम है जो कि खुला नहीं, लेकिन आपके लिए जानकारी ज़रूर है कि विजयवाड़ा में अगर आपको सामान जमा करना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आपको क्लॉक रूम मिलेगा। खाने पीने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। विजयवाड़ा के आउटर में आप लोगों ने मेरे साथ कृष्णा नदी को देखा जो कि काफ़ी बड़ी थी, अब रात के अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया पर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरे साथ इस जर्नी में। तो दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन पार कर रही है खूबसूरत से कुप्पम से जोलारपेटई के बीच में पड़ने वाले घाट सेक्शन को, काफ़ी सुंदर नज़ारे और ट्रैक साउंड बहुत अच्छा आता है, आप लोग इन्जॉय कीजिए साउथ इंडिया के इन खूबसूरत से नज़ारों को जहाँ नारियल के पेड़ और ये घाटियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। और लगभग 190 पैसेंजर ट्रेन यहाँ से, और मैं आप लोगों को बता दूँ चौथा इंडिया का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली, और तीसरा स्टेशन आप लोग को बताना है और चौथा है अपना ये विजयवाड़ा जंक्शन। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों को डिपार्चर पे, तब तक देख लेते हैं स्टेशन में और क्या अवेलेबल है। तो भाई लोग ऐसे आपको स्टेशन में सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑमलेट बिरयानी और फ्रूट्स वगैरह जिन्हें आप ले सकते हो, और मैंने भी थोड़े केले ले लिए हैं भाई, डिनर इसी को किया जाए, कुछ तला फला खाने का मन है नहीं। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन टाइम अपनी ट्रेन चल चुकी है विजयवाड़ा से,
ज़्यादा देर जो है अपने को मिल गई यहाँ पे, सफिशेंट टाइम वॉकिंग वगैरह हो गई विजयवाड़ा जंक्शन को अलविदा कहते हुए। अभी आप लोग आ रहे हो तो यहाँ की आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिन में कोविड से पहले मिला करती थी, अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो लोग विजयवाड़ा से हैं कि अभी भी मिलती है या नहीं। विजयवाड़ा से आपको बहुत सारे रूट विजयवाड़ा से देखने को मिलते हैं। गुंटूर की लाइन, सिकंदराबाद की लाइन, हम लोग आ रहे हैं अभी तिरुपति वाली लाइन से यानी चेन्नई लाइन से, और यही जो लाइन है अभी जिसमें हम बढ़ने वाले हैं ये बढ़ जाएगी विजयनगरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर वाली लाइन की ओर, और यहाँ से इन्हें हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सभी रूट्स के लिए बढ़ जाती हैं। दोस्तों दिल्ली लाइन भी यही है, दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, इसका ख्याल रखिएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ पार्ट वन इस जर्नी का आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं मिलूंगा आप लोगों से इस जर्नी के पार्ट टू में, जहाँ पे हम लोग पूरा भुवनेश्वर से लेकर हावड़ा तक का सफ़र तय करने वाले हैं। रास्ते में आप लोग चिल्का लेक ऐसी और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे, फूड रिव्यू करेंगे, खड़गपुर रेलवे स्टेशन का स्क्रिप देखेंगे। मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट टू में जर्नी के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम द ट्रेन गुरु, ऐसे ही मैं वहाँ आप लोग के लिए अपडेट्स देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।